देखिए, आप सभी जानते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपदस्थ करने के लिए या सरकार गिराने की साजिश करते हैं। एक इससे छिपा हुआ नहीं है, दूसरे राज्यों में हो चुका है, यहाँ भी लगातार हो रहा है, उसे नाकामयाब कर दिया जा रहा है। और जिस तेजी से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, सरकार आपके द्वार से किशोरियों के साथ, बुजुर्गों के साथ, जो खेल प्रेमी है उनके साथ, बच्चों के सबके साथ न्याय हो रहा है, यहाँ पर अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाया जा रहा है, इसे देखकर केंद्र सरकार घबरा गई है। भाजपा जान रही है कि अभी पंचायत चुनाव होने वाला है, तो निश्चित रूप से उनका चुपड़ा साफ हो जाएगा। इसके लिए तरह तरह के अभियान अपनाए जा रहे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों को पूर्ण बनाया जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर कार्रवाई हो रही है निष्पक्ष भाव से, तो फिर उन नेताओं पर होनी चाहिए जो भाजपा के हैं और उन पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले हैं, उनके यहाँ तो कोई समझ नहीं होता। अभी गुजरात में पुल के टूटने से इतने सारे लोगों की मौत हो गई, उसको किसी बल्ब बनाने वाली कंपनी को दिया गया था, और अभी तो कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी नहीं गई है, या कोई वहाँ नहीं गया, या नहीं बोल रहा है कि आखिर घोटाला कहाँ हुआ, क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की बात भी कोई नहीं कर रहा है, तो ये सब क्यों, एक तरफा क्यों, इसके खिलाफ ही धरना है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।